हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस का फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर फोर। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या होता है और कैसे होता है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेम पेरेंट्स क्या होते हैं, सेम टाइप्स के न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स का जो होता है फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। मतलब हाँ, जिनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है उनके जैसी एक नई स्पीसीज का निर्माण होता है। रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है वो जिनके बीच भी होती है, जैसे पेरेंट्स होते हैं उसी के जैसे एक नई जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोडक्शन होता है उनके पेरेंट्स के थ्रू वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, नई जनरेशन होती है, जैसे अपने पेरेंट्स से आप जनरेट हुए हैं, तो ये जो फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोसेस होती है, एक पेरेंट्स से बेबी बनने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी कहलाती है रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नए इंडिविजुअल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जनरेशन को आगे बढ़ाना। जनरेशन हमारी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ती है, इसके लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का यूज होता है। हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसी एक नई स्पीसीज का, अपने जैसी एक नई संरचना का, एक नई जाति का निर्माण करना, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में टू मेथड्स होते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं। ये रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सीड्स यानी बीज, बीजों की जरूरत नहीं होती है। सीड्स की जरूरत नहीं है और यहाँ सीड्स की जरूरत है। जिस प्रोसेस में सीड्स यानी बीजों की जरूरत पड़ती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और जिनमें सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस भी है। मेन डिफरेंस यही होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल सेल क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एक नई सिंगल सेल का निर्माण करते हैं। मेल और फीमेल सेल टूट के एक नई सिंगल सेल का निर्माण करते हैं और उससे एक नया प्लांट या नई स्पीसीज तैयार होती है, वो प्रोसेस कहलाती है सेक्सुअल। और जिसमें ऐसा नहीं होता है यानी कोई भी मेल और फीमेल जाइगोट नहीं टूटते हैं, वो आपका कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही पढ़ लें।
इनमें क्या होगा, डेफिनेशन इनकी क्या होगी, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नो सीड्स आर फाउंड, किसी भी सीड की किसी भी बीज की जरूरत नहीं होती। कोई भी सिंगल पेरेंट क्या करता है, नई जनरेशन को फॉर्म कर सकता है। कोई भी सिंगल पेरेंट जो होता है वो नई जनरेशन को फॉर्म कर सकता है, और वो जो नई जनरेशन फॉर्म होती है, वो जो नया प्लांट बनता है, उस प्लांट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट से मिलती है। उस प्लांट की सारी कैरेक्टरिस्टिक उस सिंगल पेरेंट यानी सिंगल प्लांट से मिलती है जिससे वो बनता है। आज एक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप से होता है, जिसमें आपका है फर्स्ट है बडिंग। ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस होती है एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, ये मान लेते हैं उसकी मदर चेन है, ईस्ट की मदर या पेरेंट चेन है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसमें बडिंग होती है तो क्या होता है, इसके ऊपर एक इस तरह के एक नया बर्ड फॉर्म होने लगता है, और यही बर्ड धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। ये आपकी मदर चेन थी, ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस में आपका ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, ठीक है, और एक ऐसे टाइम आएगा कि ये बर्ड इससे सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, ये इससे अलग। अब इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये नए फिर से नए बर्ड को फॉर्म करेगा और उससे इनकी जनरेशन बढ़ती जाएगी, और यही प्रोसेस आपकी कहलाती है बडिंग। क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट चेन होती है, कुछ टाइम में उसके ऊपर एक बर्ड बनना स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद वो मदर चेन या पेरेंट चेन से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी एबिलिटी उसमें होती है कि वो और नए तरह के बर्ड फॉर्म्स कर सकता है, जिससे उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। ये जो प्रोसेस आपकी कहलाती है, ये कहलाती है बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड होना। ये जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट ये पीसेस में ग्रो करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका स्पाइरोगायरा कह सकते हैं, स्पाइरो गायरा, या फिर इसके अलावा स्पाइरो गायरा इसका एक एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, पॉन्ड्स वगैरह यानी तालाब में देखे जाते हैं, तालाब में जो हरी हरी काई लगती है वही आपका ये होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उनमें न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, वो क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक नया पार्ट एक पूरी लंबी चेन फॉर्म कर देता है, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बहुत ही तेजी से ये डेवलप होते हैं। इनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है क्योंकि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और हर पार्ट्स सक्षम होता है, कैपेबल होता है एक नया पार्ट जनरेट करने में। इसीलिए ये जितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता जाता है वो हर एक पार्ट एक नए स्पीसीज को जनरेट कर सकता है, और इसीलिए फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो होती है वो रिप्रोडक्शन बहुत तेज होती है, और ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन काई लगना जिसको कहते हैं, बहुत तेज काई लगती है। वो क्या होता है, छोटा सा भी
पार्ट्स रहता है तो उससे एक नया पार्ट बनता है और वो हर नया बनने वाला पार्ट आगे कई सारे नए पार्ट्स बना सकता है। तो एक इतनी दूर लगी थी, इसने क्या किया, इतनी दूर और नई काई बना दी। अब ये फिर इधर भी बनाएगा, ये इधर भी बनाएगा, इसीलिए जब लगना स्टार्ट होती है काई तो वो बहुत तेज लगती है। तालाब वगैरह में हरी हरी जो पूरा फैली रहती है वही ये है, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। और जो थर्ड है वो है स्पोर्स फॉर्मेशन। ये भी काई की तरह होते हैं, बस वो क्या होती है, वो ग्रीन होती है और ये जो फंगस होते हैं, फर्न्स होते हैं, ये ग्रीन ग्रीन नहीं होते। फंगस इनको कहते हैं फफूंद। जैसे आप घर में कोई चीज रखिए, उसमें सफेद सफेद, जब वो ज्यादा दिन का हो जाता है तो उसमें सफेद सफेद अलग तरह की चीज बनने लगती है। जैसे ब्रेड, ब्रेड की पैकेट अगर आप खोल के रख दीजिए तो वो ब्रेड एयर के, जब भी एयर के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो खराब होना शुरू होता है और उसमें फंस लग जाती है। वो क्या होती है, सफेद फफूंद। खाने वाली चीजों में अक्सर लगती है, कोई खाने की चीज खोल के रख दीजिए तो लोग कहते हैं खराब हो गई, इसको फेंक देते हैं, उसमें फफूंद लग जाती है। अचार बनता है, वो क्या होता है, देखते हुए अचार में सफेद कलर का, सफेद सफेद कई सारा लगने लगता है, इसको आम भाषा में दहिया बोलते हैं। वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या होता है, फंगाई होती है या फंस होते हैं। ये क्या होते हैं, ब्रेड के जो होल्स होते हैं उनमें एयर पास होती है और पास होने के बाद क्या करती है, उनका रंग चेंज कर देती है और यही जो फॉर्मेशन होता है ये स्पोर्स फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस एक एग्जांपल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन थे आपके, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था। बडिंग में क्या था, पैरेंट चेन से एक नई बन जाती थी, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होती थी, फिर वो आगे बहुत सारी बना देती थी। फ्रेगमेंटेशन में क्या था, पार्ट्स में टूट टूट करके कई सारे पार्ट्स बना देती थी। और स्पोर्ट्स फॉर्मेशन में क्या था कि उसमें एक नया फंगस जैसा कुछ लग जाता था, बस वो ग्रीन कलर का नहीं होता था, ठीक है। ये तो आपके थे रिप्रोडक्शन प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अभी आपको सेकेंड पढ़ना है वेजिटेटिव पार्ट्स। जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू पार्ट्स में होता है, जिनमें रूट्स, स्टेम्स, लीव्स के थ्रू होता है, वो आपके कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, या आपके कहलाएंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। और जिनमें फ्लावर्स के थ्रू होता है ये आपके कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में, जिनमें बाय रूट, बाय स्टीम, बाय लीफ, जैसे जिनमें जड़ों से नए पौधे बनते हैं, पत्तियों से नए पौधे बन जाते हैं, पेड़ से नए पौधे बन जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।